शामिल होते हैं। अभी पंचायत का चुनाव हमने देखा है कि किस तरीके से पुलिस चुनाव जिताने में लगी थी। जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है और जबरदस्ती लोकतंत्र का गला घोटने के लिए ये अधिकारियों के माध्यम से लगातार ऊपर से हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से नाराजगी फैली है अब कम से कम सरकार को समझ में आएगा। ये हिटलरशाही किसी ने नहीं देखी होगी, ऐसी हिटलरशाही जहाँ पर गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी गई हो, अधिकारी पुलिस के लोग उन्हें बचा रहे हैं जो पुलिस के लोग अन्याय कर रहे हैं, इसको कौन नहीं जानता। गोरखपुर में पुलिस कमरे में गई और व्यापारी को पीट पीट करके मार दिया, ये हत्या की गई। पहले व्यापारी की हत्या हुई, अब किसानों की हत्या हो गई। इससे पहले आप जानते होंगे लखनऊ में एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के जो अधिकारी थे उनकी हत्या हो गई और ये हत्याएं हो रही हैं लगातार इस सरकार में। जो गाड़ी चलाई गई है थाने के सामने, ये मान लीजिए पुलिस नहीं चलाई है और पुलिस इस तरह का काम इसलिए कर रही है क्योंकि वो इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, किसान के आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन किसान जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे किसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा और समय आएगा उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी का सहाया होगा। सरकार ने सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया है।